हजारीबाग के अंगो पंचायत का पंचड़ा गांव जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। ये गांव आजादी के 75 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इतना ही नहीं, रास्ता और पुल के अभाव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। ये गांव विधायक अंबा प्रसाद के क्षेत्र में आता है। क्यों इतने वर्षों से ये सड़क अनदेखी का शिकार है और क्या है यहाँ की परेशानी, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर हैरत होती है और चिंता भी। ये बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र का गांव है। जरा अंदाजा लगाइए जिस गांव के हालात ऐसे हो, क्या कोई बीमार कभी वक्त पर अस्पताल पहुंच पाता होगा? इस गांव के बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे? इतना ही नहीं, कोई कैसे और किस हालात में गांव से बाहर जाता होगा? अंगो पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचड़ा एक ऐसा गांव है जो जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। बरसात के दिनों में कई दिनों तक लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वहीं गांव में ही एक मध्य विद्यालय है जहां के शिक्षक नदियों का पानी कम होने पर किसी तरह पार होते हैं और बच्चों को पढ़ाने आते हैं। हम लोग का कुछ साधन के नहीं है और हम लोग लकड़ी बिछा के हम लोग उधर गाड़ी पार करते हैं दो चक्किया। हम लोग इमरजेंसी हो जाता है, नदी भर जाता है, थोड़ा सा नाला है तो पार होने के लिए दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग अपनों सब आदमी हम लोग मिल के बनाए हैं। गांव के लोगों ने काफी मेहनत से दुधमटिया की छोटी नदी में लकड़ी के पुल का निर्माण किया ताकि कम से कम मेडिकल जैसी आपातकालीन स्थिति में इलाज के लिए बीमार को उस रास्ते से ले जाया जा सके। के गांव खाली जुड़ मतलब जिगजोर पतंडा से जिगजोर सिरंगबाग पलांडू करते जुड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे कितनी आबादी है? आबादी वही था हम करें 200 से प्लस है भागेगा। नहीं ना, कभी कोई बनाने की कोशिश किया है? नहीं, खाली पुल पुल नहीं बोला था, इसे बोला था कैसे मतलब बनवा देंगे मतलब वोट के सीजन आता है तक। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारियों को गांव की दशा की जानकारी नहीं, लेकिन सिस्टम तो आखिर सिस्टम है। वही इस मामले पर बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने फिर भरोसा दिया। देखिए, हमने विधायक मत से अनुशंसा कर दिया है और वहाँ के लोग उसकी तैयारी में हैं, उसको विधायक मत से जल्दी बना दिया जाएगा। सरकार की अनदेखी से गांव विकास से कोसों दूर जा रहा है। इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार देव ने भी सवाल उठाया। आदिवासियों की सरकार कही जाती है, इस आदिवासी बाहुल्य गांव में अगर यह स्थिति है तो यह एक बहुत बड़ा दाग है। यह दाग से सरकार को जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। झारखंड सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के कल्याण का दावा करते नहीं थकती, लेकिन इन तस्वीरों ने दावों की कलई खोल दी है। पहले पिता और फिर माँ के बाद अब अंबा प्रसाद पर क्षेत्र की जनता ने विकास का भरोसा किया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया वो भी विकास के लिए तरस रहे हैं। जरूरत है नजरें इनायत की। हजारीबाग से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शशांक की रिपोर्ट।